quitar. और यार फिर इस साइड जो है ना इसे इधर करना पड़ेगा, फिर मार्क करेंगे और काम लगाएंगे। फिर भी कोई की इस्तेमाल करना, ठीक है। और डेंड्राइट में तो डेंड्राइट यूज़ कर सकते हैं, मैं तो फेवी क्विक यूज़ कर रहा हूँ। और इसको इधर लगाना पड़ेगा, तो 40 सेंटीमीटर था, ठीक है। और ये माप आप दे सकते हैं, ये पिछले वाला जो विंग है ना उसका, और ये 9 सेंटीमीटर का है। फिर आप दो सिक्योर का पीस लीजिए पतले वाले, ऐसे ही फिर इसको इसके रस्सी से बांध दीजिए, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे। फिर जो हमने जो बनाया विंग सही है, ठीक है, इसके बाद बढ़ाएंगे प्रोपेलर, तो दो फेदर लेना पड़ेगा। ये तो कबूतर का है, ठीक है। और देखिए ऐसे घूमेगा, ऐसे लगेगा, पहले देख लीजिए फिर इसको बनाएंगे। ये दो है, ऐसे लगाना पड़ेगा, फिर ये घूमेगा तो, और इसका एंगल होगा थोड़ा। इधर लगेगा ऐसे, और एक फील होता है ना पेन का, वो लेंगे काटेंगे इसको, इसको सेफ में लाएंगे ताकि यार को अच्छी तरह से काट सके। अगर आपके पास जो लंबे वाला फेदर होता है ना, अगर वो है तो फिर ठीक है, नहीं तो इसको अगर ऐसे है फेदर तो आपको सेप देना पड़ेगा। काटेंगे
फिर पिघलाएंगे इसको और इधर लगाएंगे, देखिए जैसे जैसे पिघलाएंगे इसको लाइटर से पिघलाएंगे, देखिए फिर लगाएंगे संभाल के करना। फिर लगाएंगे देखिए ऐसे, ये आपको संभाल के करना पड़ेगा इसके एंगल, और जो ये एंगल है ना ये एंगल लेना पड़ेगा सही से, हो गया देखिए। और एंगल जो है ना इसको सही कीजिए, देखिए एंगल देखिए अल्टो डायलॉग।
ये देखिए इधर जो सेंटर पॉइंट है ना, सीजी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इधर होना चाहिए एकदम बीच में, ठीक है? नहीं तो नहीं उड़ेगा। अगर बैलेंस में कुछ गड़बड़ हो तो आप बैलेंस कीजिए कुछ लगा के ले पे, ठीक है? ऐसे देखिए एकदम बीच पॉइंट में ये स्मूथ हो गया, एकदम स्मूथ उड़ेगा। और ये देखिए ये जो लगा है ना, ये इसलिए लगा है क्योंकि ये लेफ्ट की तरह घूम जा रहा था, तो इसको थोड़ा राइट के राइट में कर दिया। और ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी से बांध दे इसको, देखिए कैसे बांधना चाहिए ऐसे। और तो सपोर्ट लगा दिया है, मैं ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, अगर करता तो भारी हो जाता था, फिर नहीं उड़ेगा, इसलिए जितना हल्का हो सकता है इतना हल्का बनाइए इसको। और ये जो लेफ्ट और राइट की तरह ये डायरेक्शन देता है इसको, ये एकदम सीधा होना चाहिए एकदम।